इंडिया दस्तक न्यूज़ में स्वागत है आपका। आज हम पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर। जिस तरीके से राजस्थान में हर पार्टी में विरोध का जोर जारी है, वहीं आम आदमी पार्टी में भी विरोध दिखने को मिला। वहीं कई सीटों पर जो किशनगढ़ विधानसभा सीट से जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में विरोध है कि इनका कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांग्रेस के दबाव में ये टिकट हमें घोषित नहीं कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे इन कार्यकर्ताओं से जिस तरीके से मौजूद हैं, किस विरे मुद्दे को लेके ये किस तरीके से कहाँ यहाँ पहुँचे हैं, कहाँ से आए हो साहब आप, किस चीज़ का विरोध है आपका? किशनगढ़ विधानसभा से आए साहब हम, और हमारा विरोध ये है कि हमारी किशनगढ़ विधानसभा से सीट टिकट नहीं दिया जा रहा है, जबकि पहले ये बोला गया कि आप मेहनत करो हम टिकट देंगे। उसके बाद कल आ रही है, आज आ रही है लिस्टें, अब ये कह रहे हैं टिकट नहीं दे रहे हैं। और हमारे 12 साल से कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और काफ़ी टाइम से हम मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद हमें ये कहा जा रहा है टिकट नहीं दिया जाएगा। अब इनका ये समझ में नहीं आ क्यों नहीं दिया जाएगा, हमें रीज़न भी नहीं बता रहे हैं। क्या ये भी बीजेपी कांग्रेस की जैसी है, आम आदमी पार्टी भी बिक चुकी है क्या, इसका ये हमें जवाब दे, इसलिए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं साहब। आप प्रत्याशी हो खुद? जी, मैं खुद प्रत्याशी हूँ किशनगढ़ से, नफीस खान खातोली। और कौन सी विधानसभा से आप? परबतसर विधानसभा। जैसा देखा जा रहा है हर पार्टी के अंदर टिकटों को लेके विरोध देखने को मिला, वहीं आम आदमी पार्टी में कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय पर धरना दे रहे हैं। जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पार्टी ने टिकट कांग्रेस के दबाव में या बीजेपी के दबाव में नहीं दे रहे। दूसरी विधानसभा से कुछ लोग आए हुए हैं, आप कहाँ से हैं सर? परबतसर विधानसभा से, परबतसर नागौर से। आप क्या हैं? मैं परबतसर विधानसभा से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। तो किस विषय में आए हो आप यहाँ पे? जी, टिकट के लिए आए हैं कि पिछले मतलब 3 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हमें जब दिल्ली में बैठ मीटिंग हुई थी या यहाँ प्रदेश कार्यालय में मीटिंग हुई या जहाँ कहीं पर भी जो मीटिंग वगैरह हुई तो कहा गया कि 200 विधानसभा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, और उसी प्रकार से हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं पिछले 1.5 महीने में, पहले तो बोल रहे थे कि 15 सितंबर में टिकटें जारी होने वाली थी कि सबसे पहले जो टिकटें जो है आम आदमी पार्टी की होगी, उसके बाद में जो है 15 अक्टूबर तक जारी होने वाली थी। उसके बाद में ये कहा गया आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं, रोज़ डिबेट भी होती है, टीवी पर डिबेट होती है, और जहाँ कहीं पर भी इंटरव्यू होता है वहाँ पर विनय मिश्रा जी है, यहाँ पे जो यहाँ के जो प्रवक्ता है वो सब लोग यही बोल रहे थे कि हम जो 200 विधानसभा सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अब जब 86 सीटें जो है इन्होंने डिक्लेयर की है, 86 सीटों में इन्होंने डिक्लेयर कर दी, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जहाँ पर जिन लोगों ने मेहनत की है अब ये बोल रहे हैं कि अब इनको टिकट जो है राजस्थान में जो टिकटें नहीं दी जाएगी। अब इन्होंने 200 विधानसभा सीटों में से टिकट नहीं देने का कोई रीज़न, कोई उचित इनके पास में कोई कारण नहीं है, ये यही कह रहे हैं कि हम आगे टिकट नहीं देंगे। विनय मिश्रा जो यहाँ के मेन हैं, तो उनसे आपकी बातचीत हुई तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? जी, उन्होंने हमेशा यही कहा कि हम 200 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। मुझे एक चीज़ बताइए कि 200 में से 86 सीटों पर चुनाव लड़ाना कौन सी मजबूती होती है? ये जनता को या तो ये हो गया कि कांग्रेस और बीजेपी के जैसी ही ये हमारी पार्टी है, हम पार्टी से प्रेम करते हैं इसलिए हमारा दर्द यहाँ पर छलक रहा है, लेकिन पार्टी के जो पदाधिकारी है उनको हमारी जो पीड़ाएं दिखाई नहीं दे रही है। आज हमारे क्षेत्र की जनता जो है सुबह से लेकर के रात में हम सोते हैं तब तक पूछते हैं कि टिकट आई क्या, हम वोट किसको दें। जहां देखा जा रहा है अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी राजस्थान में या तो कांग्रेस के दबाव में या बीजेपी के दबाव में कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दे रही है, वहीं कार्यकर्ता मौजूद है। आप कहाँ से हैं सर? मैं हिंडौन से, उषा चरनाल। आप क्या हैं? मैं भी विधायक के लिए खड़ी हुई हूँ वहाँ से। और आप प्रत्याशी हैं? हाँ, प्रत्याशी हूँ। तो आपका भी टिकट फाइनल नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, और एकमात्र हूँ मैं वहाँ से, कोई है भी नहीं, एकमात्र हूँ। और मैं पिछले 3 महीने से लगातार अपने बच्चों को छोड़े हुए वहाँ काम कर रही हूँ, लेकिन कह रहे हैं कि आज हो जाएगा। दूसरी लिस्ट में आपका नाम आएगा, लेकिन वो भी नहीं आया। चौथी लिस्ट आ जाएगी उसमें आएगा, ये वो सब कुछ सुन सुन के हम भी परेशान हैं। फ़ोन पे हम अपने घर वालों को क्या जवाब दें, समझ नहीं आ रहा अपना वक्त सब कुछ। मेरे कार्यकर्ता मुझसे दूर हो गए, वो तक बोल रहे हैं कि क्या करें बहन जी, हम करें क्या आखिर को, तो हमने इतनी मेहनत की है तो उसका क्या परिणाम होगा, ये तो जवाब तो ये देंगे ना। हम इनसे यही तो सवाल कर रहे हैं कि क्यों। प्रत्याशी खुद मौजूद हैं, जिस तरीके से इन लोगों से मेहनत कराई गई है और तैयारी के लिए बोला गया और एंड टाइम मोमेंट पर इनकी टिकट कहीं ना कहीं कैंसिल कर दी जाती है,
कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांग्रेस के दबाव में पार्टी टिकट नहीं दे रही है, पार्टी ने कोई साठगांठ करके, कार्यकर्ता गुस्से के माहौल में है। हम मौजूद हैं प्रदेश कार्यालय पर, कुछ और भी लोग कार्यकर्ता हैं। आप कहाँ से हैं सर? मैं पाली लोकसभा सचिव हूँ सर, और मैं सुमेरपुर विधानसभा से हूँ। और जो पार्टी ने जो काम बोला थे हम काम किया, गुजरात प्रचार के लिए कम से कम मैंने 1.5 महीना मेरा बर्बाद किया। उसके बाद में पार्टी ने बोला कि संगठन बनाओ तो संगठन बनाया, गांव गांव डाणी डाणी हम लोग ने प्रचार किया। जिस तरह से पार्टी ने हमें धोखा दिया है, मेरे को 4 दिन हो गए इधर आके, मेरे को बोला कि आपका टिकट कन्फर्म है, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है क्या करूँ, लेकिन लास्ट में जाके बोलते अभी तो कुछ नहीं होगा, दर्द बहुत हो रहा है क्या करे, पार्टी ने ऐसा धोखा दिया है तो अब कहाँ जावे। हमारा जो संगठन है, हमारे जो कार्यकर्ता है, वो हमारे को बहुत बोल रहे हैं कि आप टिकट लेके आओ कैसे भी करके, अब उनको मैं क्या जवाब दूँ, मेरी समाज के अंदर क्या जवाब दूँ, ये बुरी हालत हो रही है। और मेरे कुछ भी हेल्थ खराब हुई तो ये पार्टी की जवाबदारी होगी। ये कार्यकर्ता मौजूद हैं और कार्यकर्ता ये खुद प्रत्याशी हैं, जिन्होंने साल बदसाल मेहनत की और प्रत्याशी इनके नाम को नाम काट दिए जाते हैं। जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के आंखों में आंसू हैं, प्रत्याशी जिस तरीके से यहां खड़े होकर नम आंखों से बात कर रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी ने एक स्तर पर इनकी टिकट कैंसिल कर दी है। चाहे कांग्रेस का दबाव हो, चाहे किसी स्तर का दबाव हो, अब अगर पार्टी कार्य टिकट के फाइनल नहीं करती है तो जान देंगे अपनी, हम अगर पार्टी का टिकट नहीं देगा तो मैं लंदन में जाकर जाऊंगा इनका नाम लेकर के, पर वो लाल बहुत प्रिय मेरा नाम, 12 साल से मैं जो है